हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो हरियाणा सीईटी सुपर मॉक टेस्ट का 7वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जो कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और देखना ज़रूरी है। तो इनको देखेंगे तो आप सेट का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। इनकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जब ये प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो जाएंगे, 20 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ है तो ये पूरे हो जाएंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की क्लासेस शुरू करेंगे, उसमें प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। तो पूरा मैथ और रीजनिंग वहाँ पर सोल्व करवाया जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिए। कूल बॉय कुलबीर के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। हरियाणा जीके की अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए भी हमारी 100 प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का ऑप्शन है, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले मैथ और रीजनिंग है, तो मैथ और रीजनिंग जैसे आपको पता है हम ये प्रैक्टिस सेट पूरे होते ही करवाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश का पार्ट शुरू होता है, तो ये देख लीजिए। ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाय ए कैन ओपनर, नो एरर। तो इसमें जो एरर है वो आपने बताना है। तो यहाँ पे बात करें बाय ए कैन ओपनर, ये गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद है ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे क्या होता है, ये होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है, यानी कि जैसे मैंडेटरी का निशान होता है ना ऐसे रेड, तो ये भी क्या है, एक रेड लेटर डे मतलब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फाइंड द वर्ड द स्पेलिंग ऑफ विच इज़ रॉन्ग, जो इसमें गलत है वो आपने बतानी है। यहाँ पे कोग्रियस की स्पेलिंग कोरेजियस COURAGIOUS गलत है यहाँ पे, ठीक है, COURAGEIOUS होना था, ठीक है। श्री कुलदीप सिंह इज आवर डैश MP, MP से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, या देखिए जो भी मिनिस्टर होते हैं इनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, ठीक है, MP होता है जो भी सांसद वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आया था गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कंपनसेशन डैश डैमेज क्रॉप लैंड एंड कैटल, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा देखिए द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कंपनसेशन फोर आएगा, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द लेक ऑफ द स्ट्रेच्ड आउट माउंटेन, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग ऑफ अले, तो इसके मतलब अकम्प्लिस इसका जो है सेम मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ है, मैथ बाद में करवाएंगे, ये क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, वहाँ से आप निकाल के देख लीजिए। दिक्कत है तो जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तब आप उन वीडियो को देख लें, आपकी दिक्कत सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, ये थे कनिष्क के दरबार की। शबद कैवल्य किस धर्म से संबंधित है, ये आपका है जैन धर्म से। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था, तो म्यांमार दोस्तों 1937 में अलग हुआ था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था, ये किया था चालुक्य ने, ठीक है। उसके बाद है सरकार की किस सूची में पुस्तकालय शामिल है, पुस्तकालय आता आपका राज्य सूची के अंदर। मानव अंग में विटामिन नहीं करता है, क्या नहीं करता है, जो कार्य शक्ति है उसकी आपूर्ति नहीं करता है। स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है, इससे क्या तात्पर्य होता है, मुद्रास्फीति के साथ व्यापारिक मंदी, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है कि वे किसी भी दंडित व्यक्ति को समाधान दे सकते हैं, तो ये आता है अनुच्छेद 72 के अंदर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। दीवाने मुश्तक राज विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने की थी, किसने की थी, देखिए ये की थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन एक टैंक भेदी प्रक्षेपात्र है? तो कौन है? ये है नाग। किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? किसको बोलते हैं? मैडम कामा, जो मैडम कामा है इनको बोलते हैं। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? पता आपको, दिसंबर में मनाया जाता है, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये हो जाएगा 25 दिसंबर। शब्द पुंटर किस खेल से संबंधित है? पुंटर आता है आपका घुड़दौड़ में, ठीक है। उसके बाद है MRI। MRI का क्या मतलब होता है? तो MRI का मतलब होता है दोस्तों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच आयकर के विभाजन का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोगों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों नियोन, जो आपने देखा होगा हरी बत्तियां चसती हैं या जो भी होता है उसमें नियोन यूज हो जाती है, ठीक है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे? उस समय थे आपके JB कृपलानी। भारतीय योजना पर सर्वप्रथम पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के रचनाकार कौन? ये हैं M विश्वरमैया, ठीक है, विश्वेश्वरैया। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? कौन सी है? यह है अग्नाशय। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइट्स करता है दोस्तों वृक्क को, ठीक है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? ये आपका शीशा। भारतीय रिजर्व बैंक में कहाँ वर्णिका नामक बैंक नोट से निर्माण इकाई की स्थापना की है? ये किए मैसूर, कर्नाटक। उसके बाद है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कौन सी होती है? जबड़े में, ठीक है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन? सांगपो, तो सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ये बोलते हैं गोरे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है, इसलिए। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में हैट्रिक की? कौन सा था? हरभजन सिंह। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक है फोरट्रॉन। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को कौन सा शब्द पहचानता है? कौन सा शब्द है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। रत्ना एक प्रजाति है किस चीज़ की? यह है जौ की। ADB जो विकास बैंक है आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मनीला के अंदर, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। भारत की पहली ग्रामीण LED स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना का क्रियान्वयन किस राज्य में किया जाएगा? कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। जल का नोबेल माने जाने वाला स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसे मिला है? ये मिला है विल्फ्रेड प्रूटसर्ट को। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास वरुण 2022 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ पे हुआ? अरब सागर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होते हैं दोस्तों 15 न्यायाधीश। सुई सुन्नी किस राज्य का लोक नृत्य है? सुई सुन्नी, ये आपका राजस्थान का। त्रिपक्षीय संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इनमें से बात करें, देश नहीं, ये राज्य आना चाहिए, अंडमान निकोबार, ठीक है। भारत के दक्षिण में स्थित है, भारत के दक्षिण में कौन है? अंडमान निकोबार, केंद्र शासित प्रदेश है ये। सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है?
यह है उड़ीसा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? यह है अंडमान निकोबार का। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं 15। 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्रीमियन युद्ध लड़ा गया रूस और तुर्की के बीच। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? यह किया गया 1948 के अंदर। हरियाणा जिले से भिवानी जिले की कविता चहल किस खेल से संबंधित हैं? कविता चहल हैं बॉक्सिंग से संबंधित। ठीक है, पतरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पतरी, तो पतरी जो वो गले के अंदर पहनी जाती है। ठीक है, 35वां जो सूरजकुंड मेला हुआ 19 मार्च 4 अप्रैल जयपुर के, थीम का थीम राज्य कौन सा है? तो इसका थीम राज्य कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जयपुर के। हरियाणा में किस कवि ने बोधान आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई थी? कौन से कवि थे? ये थे भाई परमानंद। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या 10 लाख से कम है? 10 लाख से कम आपकी कुरुक्षेत्र की। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना हरियाणा में कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 14 मई 2005 से। उसके बाद निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा है? काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो ये नदी है मारकंडा। हरियाणा में चाहार कुतुब कहाँ स्थित है? ये आपका हांसी के अंदर। हरियाणा के किस जिले में प्राचीन समय में पुष्कर तीर्थ विद्यमान था? तो ये था आपका जींद में। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित कौन सा बांध है जिसे ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रेविटी डैम बोलते हैं अनंगपुर बांध को। ठीक है, आपने कमेंट में बताना है ये कौन सी नदी के ऊपर है अनंगपुर बांध। ठीक है, हरियाणा में किस स्थान से अष्टकोसी परिक्रमा आरंभ होती है? ये होती है नाभि कमल तीर्थ से। अशोका यूनिवर्सिटी हरियाणा में स्थित है, कहाँ पर स्थित है अशोका? सोनीपत के अंदर। हरियाणा में कहाँ से प्राप्त अभिलेख में पशुपति संप्रदाय का वर्णन है? ये है आपका सिरसा अभिलेख में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में, 14 जनवरी 1761। असहयोग आंदोलन का हरियाणा में प्रमुख नेता कौन था? कौन था? लाला लाजपत राय। हरियाणा में सबसे अधिक समय तक रहने वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सबसे अधिक समय तक रहे थे तारा सिंह। हरियाणा के किस कुलपति को इंटरनेशनल फिजिकल ऑफ साइंस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर टंकेश्वर को। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा उर्दू अकादमी की मुख्य पत्रिका क्या है? उर्दू अकादमी की बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस जिले में? काकरोई, ये आपकी सोनीपत में। हरियाणा में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? ये थे बी एन चक्रवर्ती। शैतान की आंत मुहावरे का क्या अर्थ है? ये है बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। बंदो गुरु पद कंज में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछा है इसमें है रूपक। मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, इस कथन में प्रयुक्त शब्द उज्ज्वल का सही रूप में लिखिए। उज्ज्वल में दोनों जे जो होते हैं हाफ होते हैं, ये ध्यान रखना होता है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा? यह है सुरेश। तपोभूमि में प्रयुक्त संधि ओ की मात्रा हो रही है, तो ओ की मात्रा हो रही है तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? तप है जमा भूमि, क्योंकि हलंत का यूज होगा, विसर्ग का होगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए रुधिर भी है, खून भी है, श्रेणित भी है, कासरी नहीं है। ठीक है, अजात शत्रु में कौन सा समास है जिसका कोई शत्रु ही ना हो? स्पेशल नाम दे दिया अजात शत्रु, तो ये हो गया
बहुबीरी नाम, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे आंसर की दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको ले सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर दबा दीजिए और जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए, जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और उस वीडियो को आप देख पाएँ। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी कूल बॉय कूल बीर लिख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।